नमस्कार, मैं सिद्धांत पुरोहित आप सभी संगीतकारों और कलाकारों का स्वागत करता हूं। तो इससे पहले भी आपने कुछ मेरी वीडियोस देखी होंगी जो मैं ऐसे ही नाव में बैठा हूं। तो अभी मैं हूं नौकुचिया ताल, उत्तराखंड में, बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। तो इसके बारे में दूसरी वीडियो में चर्चा मैं करने वाला हूँ और मैं कर भी चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में या तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएगा, या आप मेरे चैनल में ढूंढ सकते हैं। बहुत अभी आसपास ही वीडियोस हैं सारी की सारी। तो आज हम जिक्र करने वाले हैं राग दरबारी का। तो राग दरबारी के कुछ फ्रेजेज, अभी मैं बहुत डीप नहीं जाऊँगा उस राग के अंदर क्योंकि बहुत बड़ा राग है, बट आप शायद जानते होंगे या शायद नहीं भी जानते होंगे कि हमारे हिंदी बॉलीवुड इंडस्ट्री में, चाहे वो ओल्ड बॉलीवुड इंडस्ट्री हो या न्यू हो, वैसे तो इंडस्ट्री एक ही चलती आ रही है, बट ज़माने के फ़र्क के हिसाब से मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। पुराने ज़माने से लेकर अभी तक, यानी कि मोहम्मद रफ़ी साहब से लेकर आज के ज़माने तक, सोनू निगम साहब तक लेकर, राग दरबारी में इतनी कॉम्पोजिशंस बनी हैं जिसका कोई जवाब नहीं। इतना खूबसूरत जिक्र है कि एक बार मैं कुछ कॉम्पोजिशन छेड़ता हूँ, आप सब लोग जान ही जाएंगे। अगर नहीं भी मालूम होगा तो ये आपको इसी बहाने ये भी मालूम होगा। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द बहुत। आज के ज़माने की भी कॉम्पोजिशंस की अगर बात करें तो तमाम गाने हैं, तो इन्हीं कॉम्पोजिशंस को लेकर अगर हम थोड़ा सा जिक्र करें कि जब हम ये गाना शुरू करते हैं तो अक्सर होता है कि लाइव शोज़ में हमको इनके जो आलाप हैं, जो शुरुआती चीज़ें हैं, कि किस तरीके से राग का माहौल बनाए, आज हम थोड़ा उसके बारे में जिक्र करेंगे। और कुछ फ्रेजेज मैं दरबारी के गाने वाला हूँ, आप इजीली कॉपी कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा एडवांस में उसको नहीं लेकर जा रहा हूँ। बाकी आप मीन खटका मुर्की गमक आंदोलन न्यास अगर आप ये सब जानते हैं तो आप इसको इजीली, आप इसमें वो सारी सारा का सारा जो उसका जो रंग है वो आप इसमें ऐड करें और आप देखें कि क्या रंगीन दरबारी बनता है आपका। अब यहाँ पर वैसे तो बहुत सारी डिटेलिंग है दरबारी के अंदर, बट बहुत ज़्यादा अभी गहराई में जाकर तो मैं इसकी बात नहीं करूँगा। असावरी थाट का राग है, ग ध नी कोमल लगता है, ग और ध यानी कि गंधार और धैवत जो है बड़े ही अलग अंदाज में, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में आंदोलित किया जाता है। श्रुतियों का बड़ा मसला है, इसका बड़ा खेल है, मगर उसके बारे में अभी ज़्यादा जिक्र ना करते हुए आपको कुछ ऊपर ऊपर परत के फ्रेजेज में आपको बता रहा हूँ। दरबारी को सही अंदाज में गाना जानते हैं तो ज़रूर आप कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा सीधा, और कॉपी पेस्ट करने वाली भी क्या बात है, इसमें इसको समझिएगा और अपने कुछ और फ्रेजेस बनाइएगा इसको गाने के बाद भी। देखिए अभी फिलहाल पहले काले से गा रहा हूँ, इसको सुनकर आप समझकर आप अपने पिच के हिसाब से रियाज कीजिएगा। ये फ्रेजेस थोड़े चंचल वाले हैं, गंभीर वाले नहीं है, मगर ज्यादा न्यास कर देने से ये टोटल गंभीरता में बदल जाएंगे। कॉम्पोजिशन के अनुसार चीजें होती हैं। Oh, no.
अगर तार सप्तक की ओर जाए तो अंदाज देखें, कॉम्पोजिशन मेरे जहन में आ रही है, कुछ गजल का भी जिक्र करूंगा गुलाम अली खान साहब का, वो जरा देखेंगे आप। मामा बदन पर मामा बसानी पगामा, ये रूट भी जाते हैं। मामा बसानी पगामा रे धने रे सा सरे गा मामा बदन रे सा रे सा रे का पर कॉम्पोजिशन देखें आप गुलाम अली खान साहब की। अब यहाँ पर देखिए कि गुलाम अली खान साहब का जिक्र हुआ है तो तेरो भाव अविर भाव का भी आना जाना बहुत है इस राग के अंदर, यानी कि एक राग में से दूसरे राग में थोड़ा प्रवेश करके वापस उसी राग में आ जाना जिस राग में मेन कॉम्पोजिशन है। तो कुछ लाइन गुनगुना रहा हूँ, पूरा तो नहीं कहूंगा जाहिर। कुछ कुछ आपको बस अंदाज बता रहा हूँ दो दो लाइन गाकर, तो आप देखिए कि कितने सारे फ्रेजेस वही हैं। मामा बदनी सदनी पा मामा बनी बामा बनी बगा मामा बगा बने धनी रे गा मरे ने सा रे धनी सा रे सा रा और भी अलग अलग अंदाजों से दरबारी को छेड़ा जा सकता है, मगर अभी नॉर्मल लेवल पर ही इसको लेकर मैं चल रहा हूँ ताकि इन फ्रेजेस को आप यूट्यूब के अंदर आप जानते ही होंगे कि एक फीचर है इस वीडियो के, मेरे ख्याल से लेफ्ट या राइट मुझे नहीं मालूम कि वीडियो जब बनकर आएगी तो कहाँ नज़र आएगा, बट ऊपर तीन डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर प्लेबैक स्पीड होगी, उसको आप धीरे करके भी सुन सकते हैं। मैं जो जो सरगम गा रहा हूँ आराम से सुनिए, और वीडियो तो अपलोडेड है ही, रिकॉर्डेड है, तो आप इसको कई दफ़ा सुनें, अच्छे से रियाज करें, और उसके अगर आपको अच्छा लगा और समझ में भी आया और आपके काम भी आ रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेहनत बहुत लगती है, तो अच्छे से शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है, लाइक भी करना है, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आप सभी लोग बहुत खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, गाना बजाना करते रहें, बहुत अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच, नमस्कार।